हरियाणा बीजेपी चुनावी मोड़ में नजर आ रही है। पार्टी ने प्रदेश में रेडियो की संख्या बढ़ा दी है। इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पानीपत की नई अनाज मंडी में रैली को संबोधित करेंगे। रैली स्थल के पास आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री को काले झंडे दिखाए। आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष राकेश चौक की अगुवाई में महिला पहलवानों के समर्थन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को काले झंडे दिखाए। पुलिस कर्मचारियों ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ हाथापाई तक हो गई। पानीपत टोल प्लाजा से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर गौरवशाली भारत रैली में पहुंच रहे थे। बता दें कि इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह सिरसा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करनाल में रैली को संबोधित कर चुके हैं। एक के बाद एक केंद्रीय नेता हरियाणा में आकर रैली कर रहे हैं। इसी रैली को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ट्रेन के जरिए पानीपत पहुंचे। इससे पहले शुक्रवार को पानीपत नई अनाज मंडी स्थित रैली स्थल पर तैयारियां पुख्ती कर दी गई थी। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री रविंदर राजू ने सभी कार्यकर्ताओं से बारीकी से जानकारी ली। वहीं पानीपत में बीजेपी रैली के संयोजक और करनाल लोकसभा से सांसद संजय भाटिया ने दावा किया कि पानीपत में होने वाली रैली में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आएगी। करनाल लोकसभा के लोगों में भी रैली को लेकर बहुत उत्साह है। संजय भाटिया ने कहा कि रैली की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बता दें कि केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष में बीजेपी नेता रैलियां कर सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचा रहे हैं। वहीं हरियाणा में रैली कर बीजेपी ने अभी से ही चुनावी शपनाद कर दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।